तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र लातूर का फेमस निलंगा राइस की रेसिपी। इसे वहाँ पे आलू भात के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो निलंगा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए है और साथ ही साथ आधा कप मसूर की दाल ली है। मसूर की दाल और चावल को एक साथ मिलाने के बाद 3-4 पानी से वॉश कर दीजिए। फिर से इसके अंदर पानी डाल के 15 मिनट तक भिगोने के लिए रख दीजिए। तो 15 मिनट भिगोने के बाद इसके अंदर का पानी मैंने निकाल लिया है, इसे हम फिलहाल साइड में रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निलंगा राइस बनाने के लिए। तो गर्म कुकर के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहे तो ये राइस सिर्फ घी में भी पका सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाला है। घी और तेल गरम होने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1/3 कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली आप कम ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 बड़े पीस में कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटे आलू इस तरह से काट के आपको कुकर के अंदर डाल देना है। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हमें 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि इसके अंदर का कच्चापना भी चला जाए। थोड़े से हरे मटर डालेंगे, 1/3 मैंने हरे मटर इसके अंदर डाल दिए। 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे और कंपलसरी निलंगा राइस बनाते समय मेथी डाली ही जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं लगभग आधा कप के करीब एक कटी हुई मेथी भी कुकर के अंदर डाल दी है। मिला देंगे, टमाटर पकने तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम करके यहाँ पे मैंने टमाटर को नरम होने तक पका लिया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर पाउडर मसाले डालने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। निलंगा राइस मज़ेदार बनने के लिए यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र का फेमस कांदा लहसुन मसाला 1 छोटा चम्मच डाला है। अगर आपको ये मसाला ख़रीदना है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये सारे पाउडर मसाले को हमें 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो उसकी जगह पर आप पुलाव मसाला भी डाल के चावल बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से ये चावल का स्वाद दुगना हो जाता है। दही को भी हमें मिलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। तो दही डालने के बाद इसके अंदर से तेल निकलने तक इसे मैंने भून लिया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर भिगोई हुई मसूर की दाल और चावल डालने की। दो छोटे चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और चावल के अंदर बढ़िया से खुशबू लाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच एक कसूरी मेथी डाली है। मिला देंगे। जब भी आप ये भिगोए हुए चावल मसालों के अंदर मिलाते हैं तो हल्के हाथों से मिलाना है, क्योंकि हमने चावल भिगो के डाले तो टूटने का डर रहता है इसलिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 कप भर के पानी। जब ये पानी उबलने लगे तब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करके 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चावल पकने के बाद कुकर के अंदर का सारा प्रेशर निकलने के बाद इसे मैं यहाँ पे खोल के देख रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल बहुत ही मज़ेदार पक के तैयार है। ये देखिए, इसे हमें थोड़ा मिला देना है। तो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट के अंदर आपको निकाल के बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप नज़दीक से देख सकते हैं कि चावल बहुत ज़्यादा चिपचिपे नहीं बने हैं। इस गर्मा गर्म चावल को आप कढ़ी के साथ, दही के रायते के साथ, प्याज अचार या फिर पापड़ के साथ परोसकर खा सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने अनियन की रिंग को देखिए इस तरह से काट के इसके ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इस निलंगा राइस को आप बच्चों के टिफिन में भी इसे दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। इसके अंदर हमने मसूर की दाल मेथी भी डाली है इसलिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। जब भी आप कोई चावल खाने की इच्छा रहे तब आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी आज की लातूर की फेमस निलंगा राइस की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।